द सैड स्टोरी ऑफ ग्रैनी ग्रैंडपा एंड स्लेंडरिना। ग्रैनी और ग्रैंडपा के सिर्फ एक ही बच्ची थी जिसका नाम था स्लेंडरिना। स्लेंडरिना को बहुत प्यार करते थे दोनों और वो नो एक साथ रहते थे। खुशी खुशी उनके तीनों फैमिली एक साथ रहती थी और तीनों ही बहुत ही खुश रहते थे। और ऐसे करके टाइम कैसा निकलता जा रहा था पता ही नहीं चला और 12 साल निकल जाते। स्लेंडरिना बड़ी हो चुकी थी और उसकी मम्मी उसके बाल सिला रही थी। तभी स्लेंडरिना की माँ कहती है कि वक्त का पता ही नहीं चला कभी निकल जाता है। तो स्लेंडरिना कहती है हाँ मम्मी, लेकिन स्लेंडरिना कहती है कि मैं अब मेरे दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ, खेलने कूदने के लिए तो मैं जा रही हूँ, बाय बाय। तभी उसके पापा इधर से देखते हैं लेकिन कहते हैं कि चलो यार जाने दो उसको। और वो स्लेंडरिना अपने दोस्तों के पास जाती है और अपने दोस्तों से कहती है हाय। तभी एक लड़की उससे उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। मजाक उड़ाने के वक्त सब दोस्त उसके हंसने लग जाते हैं। तभी स्लेंडरिना उनके पास आती है और वहाँ की जगह से बोलती है कि क्यों मेरे मजाक उड़ा रहे हो, चलो यार अब कुछ जगह चलते हैं यहाँ पर घूमने फिरने। लेकिन वो लड़की उसको यहाँ पर डरा रही थी, खूब ज़ोर ज़ोर से हर कुछ बोलने लग जाती है और स्लेंडरिना एक खाई के नीचे आ जाती है। स्लेंडरिना बहुत डर जाती है। तभी ये लड़की उसको धक्का देती है और स्लेंडरिना नीचे गिर जाती है और स्लेंडरिना को पूरा खूनम खून हो जाती है और स्लेंडरिना नीचे गिर के मर जाती है। और सभी दोस्त वहाँ पर बाहर सबके देख रहे थे स्लेंडरिना कैसे मर रही थी, कोई उसे बचाने नहीं आता है। और वो लड़की अभी भी हंस रही थी और कह रही थी कि ओफ क्या हो गया यार, यहाँ से जाना पड़ेगा, लगता है कुछ हो चुका है, मैं तो जा रही हूँ। और सब देख दुखा के यहाँ से जाने लग रहे थे उस लड़की के पीछे और ये लड़की भी जाने लग रही थी। और बहुत देर हो जाती है स्लेंडरिना को वे देर करते करते देखते देखते, लेकिन स्लेंडरिना की फ़ोटो यहाँ पर टूट जाती है और उसकी मम्मी की हार्ट बीट बहुत तेज़ होने लग जाती है क्योंकि उसको कुछ अशुभ महसूस हो रहा था, उसके मन में कुछ हो रहा था लेकिन वो कुछ सोच नहीं रही थी। उसके पापा स्लेंडरिना के पापा उसको ढूंढ रहे थे आसपास लेकिन स्लेंडरिना वहाँ पर मिल नहीं रही थी। उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहे थे उसके पापा लेकिन स्लेंडरिना कहाँ भी नहीं मिल रही थी। स्लेंडरिना क्योंकि भाई उन लड़की स्लेंडरिना को मार दिया था और भाई ये बहुत बुरी बात है क्योंकि स्लेंडरिना को इतने खतरनाक तरीके से मारा, उसको उतनी ऊपर से गिरा दिया था। उसके पापा ढूंढते ढूंढते स्लेंडरिना को ढूंढ ही लेते हैं और यहाँ पर वो भक्त भक्त आते हैं और देखते हैं कि स्लेंडरिना मर चुकी है। तो उसके पापा बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उसको गोद में लेकर वो पुराने पल याद करने लग जाते हैं, कैसे हम साथ में रहते थे, एक साथ रहते थे, हमारी हैप्पी लाइफ ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही थी और ये क्या हो चुका है यार मेरी बच्ची के साथ। अपने पुराना पलों को देखकर ग्रैंडपा के आंसू आ जाते हैं, ग्रैंडपा थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, उनके आंसू निकलने लग जाते हैं, अपनी बच्ची का आखिरी वक्त देखने लग जाते हो और आखिरी वक्त में देखकर उसको श्रद्धांजलि देने लग जाते हो। श्रद्धांजलि देने के बाद में यहाँ से जाने लग जाते हैं अपने आंसू लेकर और दुखी मन वहाँ पर जाने लग जाते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि भाई आखिरी वक्त उसने पीछे मुड़ के देखा और भाई बहुत दुखी हो गए थे ग्रैंडपा। लेकिन यहाँ पर स्लेंडरिना उड़ चुकी थी भाई और उसकी आत्मा बदले लेने के लिए तड़प रही थी और स्लेंडरिना उड़ चुकी थी और उसके पापा अभी देख नहीं रहे थे और स्लेंडरिना वहाँ पर जाने लग जाती है बदला लेने के लिए। यहाँ ग्रैंडपा बहुत दुखी मन से यहाँ पर जाने लग जाते हैं अपने घर की ओर क्योंकि ग्रैनी को ये क्या मुँह दिखा रहे थे, लेकिन सामने कुछ लड़की दिख जाती है इनको और ग्रैंडपा को लगता है कि यही मेरी लड़की को मार दिया था इसने ही। और ये यहाँ पर ग्रैंडपा एकदम से इनको मारने लग जाता है और ग्रैंडपा ने इन दोनों लड़कियों को मार दिया था। लेकिन यहाँ से एक लड़की यहाँ पर भागने लग जाती है और एक लड़की भाग भाग कर वहाँ पर जाने लग जाती है, ग्रैंडपा उसके पीछे ही लेते हैं लेकिन उस लड़की के मम्मी पापा आ जाते हैं और ग्रैंडपा को मार देते हैं। ग्रैंडपा को बहुत मारते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा काम किया था, लेकिन ग्रैंडपा को अब कुछ सुध नहीं होती है, उसकी लड़की को मर गई थी इसलिए की वजह से उनको कुछ सुध नहीं रहता है और वो हर कुछ करने लग जाते हैं। 5 डे रिवेंज टाइम। फर्स्ट डे होता है और स्लेंडरिना अपने एक पहले दोस्त के घर आती है जिसने उसको मारा था और वो वहाँ पर सोई होती है वो लड़की, लेकिन स्लेंडरिना एकदम से गेट ठपकाने लग जाती है और वो लड़की उड़ जाती है और वो बाहर जाके देखने लगती है तो कोई बाहर दिखता नहीं है उसको और वो कुछ खूब देखने लग जाती है लेकिन कोई दिखता नहीं है। उसको लगता है कि कुछ मन का वहम होगा और वो वहाँ पर फिर से एक बार और गेट ठपकाने लग जाती है और यहाँ पर वो एकदम से भाग कर देखने लग जाती है बाहर की क्या हो रहा है। लेकिन
उसको कुछ दिख नहीं रहा था। वो बाहर जाकर फिर से देखने लग जाती कि क्या हो रहा है यहाँ पर। वो बाहर जाने लगती है धीरे धीरे करके, लेकिन भाई वो यहाँ पर मिसिंग हो जाती है और वो स्लेंडरिना उसको मार देती है। डे टू होता है और फिर से रिवेंज लेने के लिए स्लेंडरिना आती है और ये सेकंड वाली लड़की के पास आ जाती है। और यहाँ पर ये लड़की खर्राटा मार के सो रही थी, तभी इसके ड्रोन में से आवाज़ आने लग जाती है। ये चराग में थोड़ी देर बाद उठती है और देखती है क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर से उसके डोर पे आवाज़ आने लग जाती है। डोर की तरफ देखती है तो आवाज़ आने लग जाती है डोर पास, और डोर एकदम से खुल जाता है। ये लड़की थोड़ी डरने लग जाती है और बेड से उतरती है और यहाँ पर थोड़ी आगे आगे बढ़ती है धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करके डोर के पास आती है और ये डोर को खोलती है। पहले एक गेट खोलती है, दूसरा वाला गेट खोलती है, जिस धाम से उसको पकड़ लेती है स्प्लेंडरिना और ये मिसिंग हो जाती है और ये मर जाती है। डे थ्री होता है और यहाँ पर फिर से रिवेंज लेने आ जाती है। ये लड़की को बोल के बहाने से यहाँ पर ले आती है और धड़ाम से उसको फिर से पकड़ लेती है और ये लड़की भी मिसिंग हो जाती है और स्प्लेंडरिना इसको मार देती है। डे फोर, यहाँ पर फिर से एक लड़की मोबाइल चल रही थी, लेकिन इससे एकदम से स्प्लेंडरिना की फ़ोटो आ जाती है और ये स्प्लेंडरिना बेड के नीचे क्या कर रही है इसको, और ये स्प्लेंडरिना अब इसको नहीं छोड़ने वाली, भाई अच्छी कर रही है ये। और लास्ट में इसने यहाँ पर मार दिया और ये लड़की भी मिसिंग हो जाती है। डे फाइव, यहाँ पर डे फाइव हो चुका है। यहाँ पर एक घर है, इसके अंदर आती है, ये लड़की सो रही है लेकिन किसी का बाल आ रहा है इसके पास ऊपर से, और भाई जब ये ऊपर से इतनी काँप रही है इसको यहाँ पर ऊपर देखने वाली है। ये देखो भाई, यहाँ पर भी स्लेंडरिना ऊपर बैठी हुई थी और इसको मार देने वाली यार, तो मतलब यार सबका बदला ले रही है तो। लेकिन तीन दिन बाद पांच लापता हुई लड़की अपने ही कमरे में मिली और वो एकदम पैरालाइज हुई थी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ उनके साथ और वो सभी एकदम पैरालाइज हो चुकी थी। ग्रैनी ये आशा में प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरे स्लेंडरिना और ग्रैंडपा जरूर आएंगे एक दिन, लेकिन सालों बीत गए, स्लेंडरिना और ग्रैंडपा अभी तक नहीं आए और ग्रैनी के आंसू खूब निकल रहे। ग्रैनी बहुत अजीब हो चुकी थी, उसकी स्किन काली और ड्राई हो चुकी थी और वो आज भी स्लेंडरिना और ग्रैंडपा को ढूंढती फिरती है।